तो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग, स्वागत है आपका आपके चैनल स्टडी पॉइंट नंबर 1 पे। आज हम लोग जो है वो सीटेट 2022-23 से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बात करने जा रहे हैं। बहुत सारे कमेंट आए थे आज मेरे पास, उसका मैं जवाब देने जा रही हूँ। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सीटेट से रिलेटेड लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहते हैं। यहाँ पर परीक्षा में सामान्यीकरण लागू होगा या नहीं, ये सवाल आया है। फिर सब बच्चे पूछ रहे हैं कि 75 अंक वालों को भी माना जाएगा पास। और तीसरा क्वेश्चन है कि डीजी लॉकर में जारी होगा अब रिज़ल्ट, आपका जो रिज़ल्ट है वो डीजी लॉकर में जारी होगा। और फिर चौथा कमेंट आया था मेरे पास कि सीटेट उत्तर कुंजी कब तक होगी जारी। सब बच्चे परेशान हैं कि अपना उत्तर कुंजी देखने के लिए। तो यहाँ पे बिहार में 7वें चरण में बहाली के लिए बीटेट सीटेट अंक प्रतिशत इस तरह से दिए हुए हैं। बीटेट में सामान्य कोटि के अभ्यर्थी को न्यूनतम 60% अंक जो है वो लाना अनिवार्य है। इसके बाद पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा एवं सामान्य कोटि की महिला अभ्यर्थी को 55% जो है अंक के आधार पर उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा। इसी प्रकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 50% अंक प्राप्त करना जो है वो अनिवार्य है। यह प्रावधान सीटेट के लिए भी लागू है। उक्त कोटि के सीटेट अभ्यर्थियों के लिए डाउनलोडेड प्रमाण पत्र मान्य होगा। यहाँ पे नीचे एक नोट भी दिया हुआ है, इससे पहले नियम था पात्रता परीक्षा बीटेट सीटेट में 82 अंक से कम प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को 2 अंक का जो है अतिरिक्त मेधा अंक दे नहीं होगा। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कि डीजी लॉकर में इस तरह से आपका जो है वो रिज़ल्ट आएगा। यहाँ पे कैंडिडेट है, इन्होंने अपना रिज़ल्ट भेजा था, तो यहाँ पे उनका जो है फर्स्ट पेपर में आप देख सकते हैं 106 नंबर आया है, वहीं ये सेकेंड पेपर में जो है वो अपीयर नहीं हुए थे, तो इसका मार्क्स नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं डीजी लॉकर का यहाँ पे नीचे में सबसे नीचे यहाँ पे इशूड लिखा हुआ है, आपका सर्टिफिकेट आएगा, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सर्टिफिकेट आएगा आपका। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे डिजिटली साइंड बाय ऑथराइज सिग्नेटरी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। यहाँ पे आप ग्रीन कलर का टिक देख सकते हैं, इस तरह का आपको मिलेगा आपका रिज़ल्ट। बात करें हम लोग कि सीटेट का उत्तर कुंजी कब तक आएगा, तो उत्तर कुंजी आपका आज हो गया है आपका 13 तारीख, आपको 15 से 20 तारीख तक के बीच में आपको मिल जाएगा आपका उत्तर कुंजी देखने को। इससे आपको पता चल जाएगा कि आप पास हुए हैं या फेल हुए हैं, इसलिए आप लोग घबराइए मत और इंतज़ार करिए, जल्द ही आपका जो है रिस्पॉन्स की को जारी किया जाएगा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि सीटेट से रिलेटेड आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके। जैसे ही उत्तर कुंजी आएगी, रिस्पॉन्स की आएगी, रिजल्ट आएगा, आपको हमारे चैनल द्वारा बता दिया जाएगा। थैंक यू।